अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लई कवान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपनी यूट्यूब की वाटरमार्क को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और हम उसको किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें क्रिएट करना है। तो ईच एंड एवरी थिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वीडियो आप उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि वाटरमार्क क्रिएट करना चाहता है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप जो है इसके अच्छा आपके कंटेंट पे, आपकी वीडियो पे इंप्रेशन पड़ता है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपके जो है व्यूवर्स बढ़ते हैं और ये जो है आप लाजमी अपनी यूट्यूब की वीडियो पर वाटरमार्क को क्रिएट करें। मज़ीद चलते हैं फर्दर वीडियो की तरफ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि आने वाली हर बेनिफिशियल वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं फर्दर वीडियो की तरफ। तो गाइज ये देख सकते हैं हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने कैनवा के ज़रिए अपने यूट्यूब के वाटर मार्क को क्रिएट करना है और कैसे करना है। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि मैं कैनवा का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूं और अगर आपको कैनवा का प्रो वर्जन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहाँ से जाकर कैनवा का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो वर्जन हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रो वर्जन के बारे में बताता चलूँ कि प्रो वर्जन में कुछ एक्सेस होती हैं, मीन्स के आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन आप जो है प्रो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, सिंपल में आप जो है नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ इसके फंक्शन होते हैं आप जो हो प्रो वर्जन में यूज़ करते हो। तो बात करूँ अब वाटरमार्क के बारे में, तो वाटरमार्क आप देख सकते हैं कि वाटरमार्क जो है किस किस्म का होता है और ये देख सकते हैं वाटरमार्क जो है मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो पे ऐड किया हुआ है। तो इसी वाटरमार्क के ज़रिए आपके जो है व्यूज़ बढ़ सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं और ये वाटरमार्क जो है आपकी वीडियो के लिए, आपके कंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर लाजमी जो है अपनी वीडियो यूट्यूब की वीडियो पे ऐड कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। आपने सिंपल दैट यहाँ पर आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे कस्टम साइज पे क्लिक कर देना है और इसके जो विड्थ है विड्थ पर आपने 400 कर देना है और यहाँ से अपने हाइट को भी 400 कर देना है और नीचे जो है क्रिएट अ डिज़ाइन पे, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे आपने क्लिक कर देना और इसी पर आपने जो है वाटरमार्क को क्रिएट करना है। तो ये देख सकते हैं मैं अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे माइंड में जो जैसा डिज़ाइन आ रहा है मैं उस मुताबिक एक वाटरमार्क क्रिएट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो है आपके माइंड में जैसा भी डिज़ाइन आता है आप अपने माइंड के मुताबिक जो है वाटरमार्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का वाटरमार्क पसंद आता है तो आप हूबहू आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा ये कलर कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं और यहाँ पर आपने लिखना है YouTube। तो यहाँ पर आपको YouTube का लोगो नज़र आ रहा होगा तो मैं यहाँ से YouTube का लोगो उठा देता हूँ। यहाँ पर जो है इसका थोड़ा इसका साइज जो है यहाँ पर हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हमने जो है टाइप करना है सब्सक्राइब।
इसको यहाँ से हम वाइड कर देंगे, और इसका जो फॉन्ट है मैं यहाँ पर बॉस न्यू कर देता हूँ, और इसको थोड़ा यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ इसका, और यहाँ पर हम इसका इसका साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर जो लोगो है इसको मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, और बीच में जो एरो है इसको थोड़ा हम डार्क कर देंगे। इसको वाइट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट हम कर लेंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा वाटर मार्क क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। और अगर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, ये प्रो वर्जन में ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इसकी खैर अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इसी तरह ही डाउनलोड कर सकता हूँ। अब बात आती है कि हम जो है अपनी YouTube पर कैसे इसको ऐड करेंगे अपनी, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पर, हर वीडियो पर हमारे जो है वाटर मार्क आता है, तो आपने यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर चले जाना है। और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपने कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर देना है, और ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पर आपने जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको वाटरमार्क नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह भी आपने वाटरमार्क क्रिएट किया है, तो आप यहाँ से जो है इसको चेंज करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। और एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि एंड ऑफ वीडियो पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। और अगर आप कस्टम स्टार्ट टाइम पे, मीन्स कि अगर आप एक ड्यूरेशन, ख़ास ड्यूरेशन के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंटायर वीडियो पे ही इसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है इस वीडियो में कवर किया है कि आप कैसे वाटर मार्क क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हमने जो है यूट्यूब पर अपलोड करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।